हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन एकेडमी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अन एकेडमी के सेंटर पे हूँ, क्लासरूम के अंदर ही हूँ। पीछे मेरे देख रहे होंगे पूरा अन एकेडमी लिखा हुआ है। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि 19th को जो मॉर्निंग 10 AM से जो हमारा इंजीनियरिंग कन्क्लेव वाला जो प्रोग्राम है उसको आप आइए, उसको अटेंड कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। और उस दिन जितने भी एजुकेटर से, पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर से, यहीं पे इसी सेंटर पे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। हम सब लोग यहीं पे रहने वाले हैं। आप लोग को कोई भी गाइडेंस चाहिए 2023 में, आप का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अभी आगे आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो गाइडेंस लीजिए। जो लोग भी 2024 और 25 के बारे में बात करना चाहते हैं वो आइए। आगे की फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचिए कि क्या करना है, गेट और ESE कैसे आप एक साथ क्रैक कर सकते हैं, कॉलेज के साथ साथ आप कैसे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे को पता आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते, तो उस सब डाउट्स के लिए आप लोग आइए। आप अलग अलग टीचर से पूछ सकते हैं, और मेरे को पता है कि सबके फेवरेट एजुकेटर अलग अलग होते हैं। किसी का सिविल ब्रांच होगी तो सिविल का एजुकेटर फेवरेट होगा, किसी का मैकेनिकल का, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का, अलग अलग एजुकेटर फेवरेट होते। तो आप लोग आइए, आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग भी एक्साइटेड है आप लोगों से मिलने के लिए। फिजिकल इंटरेक्शन होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, किस तरीके से करूं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग सब प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के अंदर में आप लोगों के लिए सब कुछ रखा गया है कि आपका जो भी डाउट रहेगा वो डाउट को क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा 19th को मॉर्निंग 10 AM से इंजीनियरिंग कन्क्लेव है, वहाँ पे आप लोग आएंगे। उसके बाद वो प्रोग्राम होने के बाद फिर आप 100% स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, और फिर 100% स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है तो आप आराम से क्लासरूम में बैठ के पढ़िए, मज़ा कीजिए क्लासरूम का, ऑफलाइन क्लास का जो फील फैक्टर है वो लीजिए। मेरे को लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब ऑफलाइन के लिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से क्लास पूरी अरेंज हो रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्लान किया गया, इतने कम समय में इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया कि आपको फील फैक्टर हो। जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो बाहर पूरा ग्रीनरी दिखेगा आपको विंडो से, चाहे उस साइड बैठे होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं ये देख सकता हूँ, और आप 19 को आइए, एक बार ये फीलिंग को चेक कीजिए। अगर आपका मन है कि ऑफलाइन में आपको पढ़ना है, तो मैं बोल रहा हूँ 19 ऐसा तो है नहीं कि आपको क्लास ही ज्वाइन कर लेना है, लेकिन 19 को आप आइए, आप वो फीलिंग चेक कीजिए, आप सिचुएशन देखिए किस जगह पे है, आपको सच में वो फीलिंग आने वाली है कि नहीं, आपको मजा आने वाला है कि नहीं। अगर आप इन पूरी कंडीशन के साथ अगर देखोगे तो मेरे को लगता है कि आप में भी एक्साइटमेंट आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब दूसरी चीज की, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हम लोगों से मिलना चाहते होंगे, कई बार ऑनलाइन में हम लोगों का इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर आपसे मिलना था, सर 2 मिनट की बात करना था। तो वो जो फिजिकल इंटरेक्शन होगा उसके लिए भी आइए, मस्त अपन बात करेंगे, फ्रीली बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऑनलाइन में कई बार डिस्टेंस रहता है आपके पास, हम स्क्रीन में रहते हैं, आप स्क्रीन में देखते हो, कई बार ऐसे मिल नहीं पाते। मैं अभी नंबर भी जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो कई लोग के मैसेज आ रहे कि सर ये आप ही का नंबर है कि नहीं, ये सर आपसे बात हो पा रही। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी मैं कम्युनिकेशन जो मिडिल का जो गैप है उसको जब भी मैं ब्रेक करता हूँ, डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो स्टूडेंट को बड़ा मजा आता है। तो इस बार भी आपको मजा आएगा डायरेक्ट जब हम मिलेंगे। तो आइए इसी क्लासरूम के अंदर में, जब आप लोगों के साथ जब होगा तो 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 19 मार्च को आप मिस नहीं करेंगे इंजीनियर्स जो कंक्लेव है, प्रोग्राम है, उसमें आप रहेंगे। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट है 100%, उसको जरूर अटेंड करेंगे। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आगे आपको कैसे करना है, आपको ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, लेकिन आप अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।